अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, इमाम एंड माल्टा टीवी में। आज फिर एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि आप ये वीडियो में सुन के और बताऊंगा उसके बारे में, कमेंट के बारे में, कि इमाम वाकई जो वीडियो लेके आता है वो रियल लेके आता है और ऐसा कोई फेक नहीं होता है वीडियो में। ठीक है, आज हम उसी के सिलसिले में बात करेंगे। आज से मैंने 2-3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड करा था कि CBO उसके तरफ से अपॉइंटमेंट मिल रहा है और अपॉइंटमेंट भी जल्दी का मिल रहा है और उस पर फाइल भी सबमिट हो रहा है और VFS ग्लोबल का ही अपॉइंटमेंट है। तो आज इस सिलसिले में ही बात करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, ठीक है। तो हमारे एक भाई हैं, ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। एक हमारे भाई साहब हैं, दोस्त हैं, भाई भी है। मैं तो जो मेरे YouTube फैमिली है वो तो भाई दोस्त एक लाइक फैमिली में ऐसे ऐसे समझता हूँ, ठीक है। सब जितने भी मेरे भाई हैं और मैं देख रहा हूँ कि मुझे YouTube पर बहुत प्यार है आप लोग का, और आप लोग को दुआएं हैं कि इंशाल्लाह आप लोग मुझे अच्छा से मतलब फॉलो भी कर रहे हैं। और क्योंकि फॉलो तो करेंगे, देखिए मैं जो भी चीज़ें रियल बतलाता हूँ उसमें कोई फेक नहीं होता है, ठीक है। तो मैं वीडियो ये ज़्यादातर मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और आई एम सॉरी अपडेट, क्योंकि संडे को तो हमेशा मैं अपडेट दे देता हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने आउटसाइड एक काम पकड़ा हुआ था जिसमें सिर्फ 10 टाइल्स लगाने थे और 10 टाइल्स का मैंने 400 यूरो में काम लिया था। तो वो किचन का टाइल्स था, तो वो मैंने फिनिश किया हुआ है। तो मैं सलीम को लेकर वही काम करने गया था, तो वो मैं काम करके आया हूँ और मैं पैसे लेके आया हूँ। तो अभी दोपहर में आके मैं अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इसलिए लेट हुआ, आई एम सॉरी इसके लिए। और इसमें क्या हुआ, पहले मैं पढ़ के बतलाता हूँ, नहीं तो फिर बाद में मैं गड़बड़ा जाऊँगा। एक सेकेंड, हाँ आप लोग गौर से सुनिए। देखिए चेन्नई में, ठीक है ना, ये अपॉइंटमेंट चेन्नई का है और ये चेन्नई को मिला है अगले महीने 13 तारीख को, मिला हुआ है अप्रैल 13 तारीख को, ठीक है। सुबह का 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, सुबह का 9 बजे का अपॉइंटमेंट है 13 अप्रैल का और चेन्नई का है। अब ये मिला कैसे है ये आपको बताता हूँ। मैंने आप लोग से क्या बोला था, आप लोग से यही बोला था कि जो सिंगल है चाहे दो आदमी है, आप अपने एम्प्लॉयर को फोकस करें, किसी दूसरे के ऊपर से छोड़ने के बाद एम्प्लॉयर को फोकस करें, एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें जो भी करना है एम्प्लॉयर के साथ। इस टाइम तो किसी को मत देखें, एम्प्लॉयर को देखें, उनको बोले रेंटी माल्टा विजिट करें, CBO को मेल करें, ठीक है, और वही अपॉइंटमेंट दे सकता है, ठीक है ना। तो ये 13 तारीख का अपॉइंटमेंट है और 13 तारीख को हमारे भाई को एक अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। आई होप मुझे भी, अल्लाह करे मुझे भी मिल जाए, क्योंकि मैं भी 4 आदमी को अप्लाई किया हूँ, 4 आदमी का पहले कर लिया हूँ। तो ये अपडेट देना मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आप लोग को मालूम चले कि भाई अपॉइंटमेंट मिल रहा है, जो सिंगल सिंगल है उन्हें दे रहे हैं और ख़ास करके उन्हें दे रहे हैं जिनका एक्सपायर होने वाला है, और जिन्हें ज़रूरी है जो एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट कर रहा है भाई उन्हें भी मिल रहा है, ठीक है, उन्हें भी मिल रहा है। और ये देखिए अभी फ़ोन आ रहा है लालचंद भाई का, इनके भाई का भी मैं 16 तारीख को फाइल सबमिट कर रहा हूँ दिल्ली में, राजू चौहान का। तो इनका भी फ़ोन आ रहा था, इनका डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ, देखिए अभी फ़ोन आ रहा है। तो मैं अभी रिसीव नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आदमी सिंगल हैं वो अपने एम्प्लॉयर को फोकस करें और अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि प्लीज़ हमारे लिए अपॉइंटमेंट के लिए अरेंज कीजिए, CBO अप्रूवल दे रही है, 100% बोल रहा हूँ कि दे रही है। आई एम सॉरी ये मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा नहीं है अपॉइंटमेंट, ये किसी और का है और भाई का से मैंने रिक्वेस्ट करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वजह से आप लोग को अपडेट भी दे रहा हूँ कि आप लोग को पता लगे कि हाँ मिल रहा है, CBO दे रही है, बट लॉन्ग टाइम का नहीं दे रही है। जो जिनको अभी मिल रहा है वो जल्दी मिल रहा है। तो आप सोचें ये अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मेल किया था और अगले महीने 13 का मिल गया हुआ है, चेन्नई का मिला हुआ है, ठीक है ना। तो चेन्नई में भी मिल रहा है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि इंडिया में कहीं का भी अपॉइंटमेंट मिल रहा है, ये आप मत सोचें कि मतलब नज़दीक है चाहे दूर है चाहे कुछ भी है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आप लोग नहीं ऐसा करें, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं जैसे दिल्ली हूँ तो मैं बॉम्बे का अपॉइंटमेंट ले लूँ, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग ना करें, अपने एम्प्लॉयर से बस एक ही सवाल करें कि इंडिया का कोई भी कोने का हो, ठीक है ना। तो और मुझे
मुझे मतलब मुझे खुशी हो रही है ये बतलाते हुए कि हाँ भाई अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मुझे ये खुशी हो रही है कि अपॉइंटमेंट मिल रहा है। और आप लोगों का भाई जो भी वीडियो लेके आता है एकदम रियल लेके आता है, और बहुत भाइयों को मैंने देखिए मैसेज भी किया हुआ है, मैंने उनको रिप्लाई भी करा है, बहुत भाइयों का कमेंट भी आ रहा है कि हमारे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट मैं रिप्लाई भी सबको दिया हूँ। ये देखिए आप लोगों के सामने कितना आदमी का है, बहुत आदमी यहाँ पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैंने सबका रिप्लाई की दिया हुआ, सबका रिप्लाई देता हूँ। बट हाँ मैं कुछ आदमी ऐसे हैं कि भाई मेरे आप लोग से रिक्वेस्ट है, कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो रात को 12 बजे फ़ोन करने लगते हैं लगातार, फ़ोन फ़ोन फ़ोन। भाई मेरी भी कुछ लाइफ है, मैं भी आराम करना चाहता हूँ, मैं भी सोना चाहता हूँ थोड़ा, मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ। हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप मतलब रात में यार मैं रात में फ़ोन कर, आप लोग जितने आदमी हो कम से कम एक बार आप लोग एक बार आप लोग एक बार आप लोग देखो कि माल्टा में टाइम कितना हो रहा है, ठीक है ना। माल्टा टाइम कम से कम एक बार चेक करो ना गूगल पर, इजीली तरीका से आप लोग टाइम देख सकते हो, उस पर लिखो नाउ माल्टा टाइम, इतना लिख दोगे तो वो सिर्फ बता देगा गूगल के भाई माल्टा में इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कम से कम रात में आप लोग कॉल ना करें, अगर रात में कोई इमरजेंसी आता है तो वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे भेज दें, ठीक है, तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग का जवाब दे सकता हूँ, ठीक है ना, वो भी रात में। अब वैसे तो मैं रात में जगा रहता हूँ 12 बजे तक, बट फिर भी मैं अपना भी काम करता हूँ ना, साइट का काम खत्म करके रूम में आकर डॉक्यूमेंट का काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर है, तो मैं भी अपने आदमियों के चक्कर में इधर उधर घूम रहा हूँ कि भाई मुझे भी कहीं से भी अपॉइंटमेंट मिल जाए। बट चेन्नई से एक आदमी का अपॉइंटमेंट मिला है और ये श्योर है, 100% श्योर है चेन्नई से अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। आप लोग अपने अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करें, और ऐसे अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करूंगा कि हाँ अच्छी बात है अगर ऐसा अपॉइंटमेंट मिल रहा है, क्योंकि जो आदमी फ्रॉड कर रहा है इंडिया के अंदर में उससे बच जाएंगे, और जिनको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होगी उन्हीं को मिलेगा, और जिनको बिना ज़रूरत का जो बुक करके रखते थे ना उनको नहीं मिलेगा। और जो आदमी मांग करते थे ना हम अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे 50,000 दे दो, कोई अपॉइंटमेंट बोलता है हम 60,000 देंगे, कोई 1-1 लाख रुपये जो चार्ज कर रहा है ना, उस चीज़ से आप लोग बचोगे। अगर ऐसे अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो आप लोग भी खुश, जिसका अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आ गया है वो भी खुश, हम भी खुश, बहुत अच्छी की बात है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो अच्छी बात है, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे इंडिया में जितने भी BFS वाले हैं वो फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, और अपॉइंटमेंट का 50,000 60,000 1-1 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं। आखिर क्यों क्यों? इसी वजह से ना, क्योंकि इन्हें भी पता है, ऑलरेडी वेबसाइट पर आप जाके पढ़ो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया का अपॉइंटमेंट फ्री है, फिर वो पैसा क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ के गवर्नमेंट अब वहाँ चल के तो नहीं जा सकती है ना, तो इसीलिए इस वेबसाइट बंद किया हो। और हमने जो माल्टा को ख़राब किया हुआ ना, तो कोई दूसरा ख़राब नहीं किया है, हम ही और आपने ख़राब किया हुआ है, हम ही सब चीज़ इन्हें बतलाते हैं ऐसा नहीं ऐसा होगा वैसे नहीं ऐसा होगा। तो ये अभी ये भी सीख गए हैं, जो इंसान फ्री में आता था वाकई फ्री में आता था, जो इंसान फ्री में आता था अब उसका पैसा लगता है, और पैसा कैसा लगता है कि उन्हें भी पता है कि वो आएगा तो यहाँ पर 2 महीना 3 महीना काम करेगा, बाद में यहाँ से दूसरी कंट्री में निकल जाएगा, तो इसीलिए वो लोग पैसे का मांग करते हैं, अभी 3,000 यूरो 4,000 यूरो समटाइम 2,000 यूरो। हाँ बहुत आदमी ऐसे हैं जो अभी भी फ्री में आ रहा है, किसी एम्प्लॉयर को नहीं पता है, तो ये चीज़ से आप लोग थोड़ा बचें और अपने आप को सेव करें। अगर ऐसे अपॉइंटमेंट मिल रहा है बहुत अच्छी की बात है, और मैंने क्लियर ही बोला हुआ कि चेन्नई में एक आदमी का अपॉइंटमेंट मिल गया हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ प्लीज़, क्योंकि मैंने उनसे खुद से रिक्वेस्ट करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये अपडेट मिल गया वही बहुत बड़ी बात है, और नेक्स्ट अपडेट जो भी आता है मैं अपडेट करता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपडेट देना चाहिए वीडियो पर आके, तो इसलिए अपडेट दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे फैलते फैलते आदमी पूरा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आदमी फ्रॉड से बचेंगे, उनके पैसे बचेंगे, उनके पैसे भी सेव होंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर से बोल रहा हूँ, और बेल जो घंटी है वो तो ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप घंटी दबाएंगे तो जो भी मेरे पास वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास में जाएगा, उसी टाइम मालूम चलेगा हाँ भाई इमाम का वीडियो आया हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों को कोई मतलब का वीडियो हो, तो इसे फ्रॉड से बच जाएं। चलें दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।